अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार बहुत ज़्यादा मैसेजेस मैं रिसीव कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, ऑल दो बहुत सारी क्यूरीज हैं, उन क्यूरीज के अलावा जो लोग प्रोसेस में हैं और जिन्होंने आरपी सबमिट किया है, तो यही कह रहे हैं कि भाई अकोमोडेशन नहीं मिल रही। आप अकोमोडेशन वाकई में बहुत हार्ड हो चुकी है इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो हैं भाई वो अप्लाई कर रहे हैं। और द थिंग इज़ कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच आउट कर रहे हैं कि यार हमें ना अकोमोडेशन में इशू आ रहे हैं, हमें हेल्प कर दें, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ले दें। मैंने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लेके देना पॉसिबल नहीं होता, जस्ट बिकॉज मैं भी तो एक डॉर्म में रहता हूँ। तो डॉर्म में रह के आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हो जो हमारी डॉर्म की मैनेजर होती है। बट द थिंग इज मैंने खुद रूम चेंज करना था, मैंने कहा थोड़ा सा चीपर रूम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए भी उसने मुझे कहा कि इतने स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में हैं, बट चलो आपको मैं जो है ना वो फेवर दे देती हूँ। और ऑल दो मैंने चेंज नहीं किया, बट मुझे फेवर थोड़ी मिल गई थी कि अगर ये ऑप्शन है अगर ले सकते हो। और इसी तरह एक मेरा दोस्त यहीं पे रहता है इंसब्रुक में ही, और उसने एक्सटेंशन के लिए जो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की उसको रिक्वेस्ट आई थी, उसने थोड़ा सा लेट अप्लाई किया। ऑल दो उसने डेडलाइन के अंदर अंदर अप्लाई किया, बट उतने में उसको उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि भाई आपको हम एक्सटेंड नहीं दे सकते, हमने किसी और को दे दिया जो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में था। तो उसको 4 महीने लगे हैं अकोमोडेशन ढूंढने में, यहाँ पे खुद वो पर्सनली जब यहाँ पे है। तो दैट मीन्स कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो मुझे कह रहे हैं कि भाई हम वहाँ पे आएंगे, पहले हमें कोई बस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या प्री कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और वहाँ पे आके फिर हम अकोमोडेशन अपने ढूंढ लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे आपके लिए अगर आपको यहाँ पे कोई जानने वाला भी नहीं है, आप बिल्कुल नहीं आते हो, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा यार इस पर एक वीडियो बनाऊँ, लाइक मैं कोशिश करता हूँ कोई पॉसिबल सोल्यूशन इसके लिए ढूंढूँ। क्योंकि यार एक तो छोटे सिटीज़ में देखो बहुत प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिटीज़ छोटे हैं, यहाँ पे वैसे ही लोग कम होते हैं, यहाँ पे इतना लोग मूव नहीं करते। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आने लग गए हैं तो यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन भी उस लेवल की इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब जब कंस्ट्रक्शन ही नहीं होती तो फिर ज़्यादा अकोमोडेशन कैसे अवेलेबल होगी। तो ये प्रॉब्लम्स है डॉर्म के। अभी रिसेंटली डॉर्म की जो है ना हमारे बिल्कुल बैक साइड पे एक बिल्डिंग है जो कि पुरानी बिल्डिंग थी, तो उसको जो है ना वो रेनोवेट कर रहे हैं, वो एक डॉर्म बन रहा है, लेकिन उसको भी 1 साल लगेगा कंप्लीट होने में। और इसी तरह क्लैगेनफर्ड में बहुत इश्यूज़ हैं, वहाँ से भी मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि यार मिलती भी नहीं है अकोमोडेशन। तो द थिंग इज़ कि अगर आप लोगों के पास ऑफर लेटर हैं लाइक वियना से हैं, लिन से हैं, अगर इधर के हैं तो ग्रेज में आई थिंक वहाँ पर भी इतना इशू नहीं है, तो वहाँ पे आप बेहतर है कि अपनी आरपी आपने सबमिट करनी है तो वहीं पे कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने सोचा यार इसमें अगर कोई टिप्स हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। और नंबर वन टिप यही है कि यार आपने अप्लाई करना है जब भी अकोमोडेशन के लिए, तो आपने करना है 1 साल के टेन्योर के लिए, ठीक है? आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो मिनिमम जो टेन्योर होता है ना उसके लिए आपने 1 साल के लिए करना है, जस्ट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यूरोप से अप्लाई करते हैं और वो क्या करते हैं कि उनको होता है एक्सचेंज प्रोग्राम और वो 1 सेमेस्टर के लिए आ रहे होते हैं, तो उनको प्रायोरिटी वैसे मिल जाती है क्योंकि यूरोप से होते हैं। बट द थिंग इज अगर वो 6 महीने के लिए करते हैं और आपने साल के लिए किए तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज डॉम वाले भी कहते हैं कि चलो जी बजाय इसके के हर सेमेस्टर के लिए नया स्टूडेंट हम लोग हायर करें उसको रूम दें, बेहतर होगा कि हम एक ही बंदे को दें जिसने ऑलरेडी 1 साल के लिए अप्लाई किया। तो नंबर वन टिप यही है कि आपने साल के लिए अप्लाई करना है। नंबर टू में ये है कि आपने थोड़ी प्रोएक्टिव टेक्निक अप्लाई करनी है। अब प्रोएक्टिव में आपने क्या करना है, प्रोएक्टिव में ये है कि भाई आपने ये नहीं करना कि आपने आरपी के टाइम ही अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट करनी है। आपने क्या करना है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाए, एम्बेसी से आपको ईमेल आ जाए, तब अप्लाई करें। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा उससे भी पहले करना है, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड हैं एम्बेसी में और 2 महीने या 2.5 महीने हो चुके हैं, आपको भी रिपोर्ट तो नहीं आई होती, तो आपने पहले ही अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर लेना, ठीक है? और उसका यही बेनिफिट होगा कि जितना जल्दी अप्लाई करोगे आप उतना जल्दी आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? इसमें आपने असेसमेंट खुद करनी होगी कि भाई मैंने इस सेशन के लिए जाना है। लेट्स सपोज आपने अभी मार्च अप्रैल चल रहा है और आपका सेशन है अक्टूबर, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है, तो मार्च में अभी आप हो तो उससे भी थोड़ा पहले कर लो, ठीक है? क्योंकि कई लोग होते हैं वो साल पहले भी अप्लाई करते हैं तो तब जाके उनको मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आरपी सबमिट कराओगे तो तब आपने अप्लाई करना है, उसमें बहुत इश्यूज होते हैं कि फिर आपका सेशन मिस हो जाता है, फिर आपका इवन दो मैंने सुना है कि लाइक किसी ने प्री कॉन्ट्रैक्ट लगाया और उनका जो है वीज़ा कैंसलेशन भी हुई,
तो ऐसी ऐसी न्यूज़ भी सुनी है मैंने, और अभी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये टिप्स फॉलो करो। तीसरा जो है, ये जो स्टूडेंट डॉर्म्स हैं काफ़ी सारे, मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, ताकि आप लोग वो चेकआउट करो और उनको डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। कुछ की एप्लीकेशन फ़ी होगी, कुछ के लिए फ्री होगा। जिसकी एप्लीकेशन फ़ी होती है उसके थोड़े से चांसेस होते हैं, बट ये है कि वहाँ पे भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं। और नंबर फोर, जो लोग अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो उन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट लेना जो अपार्टमेंट जिनके पास होते हैं। अदरवाइज़ कोई भी किसी को अगर आप नहीं जानते और ऐसे ही ऑनलाइन कहीं से अपार्टमेंट कोई आपको कहता है ना कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो इवन दो वो आपको फेक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देंगे और आपको पता नहीं चलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम्स हुए और हो भी रहे हैं। वो कहते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट भेजो, जब वो आप डिपॉजिट उनको भेज दोगे देन उसके बाद वो कहेंगे कि टाटा बाय बाय। तो ये तकरीबन स्टेप्स हैं फिलहाल के लिए कि जो आपने फॉलो करने हैं, ठीक है, ताकि आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो सकें अकोमोडेशन के लिए। और फर्दर अगर मुझसे कोई भी हेल्प ऐसी मिल सकी या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा जितने भी डॉर्म्स होते हैं, और उनको आप चेकआउट कर लेना, उनको आप टाइम पे अप्लाई कर देना, तो होपफुली आपको अकोमोडेशन जल्दी मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दो में याद रखना। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।